ये सभा हम लोगों ने जो ऑर्गेनाइज की, ये हमारे फ्री सर्जरी कैंप होने जा रहा है उसके उद्घाटन के लिए ये सभा आयोजित की गई थी। ये फ्री सर्जरी कैंप जो है हमारे कैलाश जी लोहिया, जो प्रसिद्ध उद्योगपति है यहाँ नॉर्थ ईस्ट के, इन्होंने स्पॉन्सर किया है। इसमें हम लोगों ने करीब 107 पेशेंट्स को आइडेंटिफाई किया है, उनका ऑपरेशन फ्री किया जाएगा और जो भी सर्जरी की जाएगी, जो चिकित्सा उनको दी जाएगी, उसकी क्वालिटी में हम लोग कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। जो पेड पेशेंट्स होते हैं उनको जो सर्विस मिलती है वही फैसिलिटी, वही क्वालिटी ये फ्री सर्जरी जिनकी होगी उनको मिलेगी। हमारा हॉस्पिटल करीब करीब 110 साल पुराना है और हमारे हॉस्पिटल का प्री डोमिनेंट ऑब्जेक्ट जो है वो है गरीबों और ज़रूरतमंद जो पेशेंट हैं उनकी सेवा करना। तो हम लोगों की बहुत सारी स्कीम है, जैसा मैंने मेरे स्पीच में आप लोगों को बताया, तो हम लोग बराबर उन लोगों की सहायता करते रहते हैं। हमारी फैंसी बाज़ार में यूनिट है जहाँ हम लोग साल में करीब 50,000 पेशेंट्स को हम लोग फ्री सर्विस देते हैं और लिस्टेड मेडिसिन भी हम लोग उनको फ्री देते हैं। जैसा मैंने बताया कि हम लोग डायलिसिस सर्विस यहाँ प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो गरीब होते हैं उनको हम लोग एकदम फ्री देते हैं। जनरल वार्ड के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि जनरल वार्ड में हमारे यहाँ जो पेशेंट भर्ती होते हैं उनके लिए सब कुछ फ्री है। उनसे बेड चार्जेस हम लोग नहीं लेते, खाने का नहीं लेते, नर्सिंग चार्जेस नहीं लेते। हमारे जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनकी सर्विसेज भी उनको फ्री हम लोग अवेलेबल कराते हैं। ऐसी हमारी और बहुत सारी सर्विसेज हैं। हमारी फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी मैंने जैसा बताया आप सब लोगों को, हम लोग एक डायबिटिक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस यहाँ सेटअप करने जा रहे हैं। उसमें भी हम लोग देखेंगे कि जो गरीब पेशेंट हैं उनके लिए हम लोग कोई स्कीम बना के उन लोगों को रियायती दरों में सुविधा उन लोगों को मुहैया कराएंगे। हम लोग मालेगांव में एक फ्री ओपीडी कैंप, जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है मालेगांव गौशाला है, वहाँ पर हम लोग सेटअप करने जा रहे हैं। ज़मीन हम लोगों को अलॉट हो चुकी है गौशाला की तरफ से। वहीं हमारी नर्सिंग कॉलेज है, नर्सेज हॉस्टल है, वो सारे हमारे बनेंगे। और होम सर्विसेज हमारी एक अनूठी पहल है, जिनको भी होम सर्विसेज चाहिए वो हमारे हॉस्पिटल में कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग कंसल्टेंट है, नर्सेज है, उनको प्रोवाइड करते हैं, वो घर घर जा कर के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। IVF सेंटर हम लोग की प्लानिंग में है। जैसा आप लोग सब जानते हैं कि ये बड़ा कॉस्टली ट्रीटमेंट है, लाखों रुपए लग जाते हैं, लेकिन हमारी प्लानिंग ये है कि हम लोग एकदम सस्ती रेट में इसको मुहैया कराएं। जो गरीब पेशेंट हैं, जो मिडिल क्लास के हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते कॉस्टली ट्रीटमेंट, तो हम लोग इसको रीजनेबल रेट्स में उनको अवेलेबल कराएँ। इसके अलावा और हमारी बहुत सारी प्लानिंग है। इवनिंग ओपीडी अभी हम लोगों ने शुरू किया है, ये मेरे ख्याल से गुवाहाटी में कहीं नहीं है इवनिंग ओपीडी। हम लोगों के मन में एक विचार आया कि जो वर्किंग क्लास है वो लोग सवेरे आकर के नहीं दिखा पाते हैं, तो हम लोगों ने इवनिंग ओपीडी शुरू की है। वो लोग अपना काम ख़त्म करके यहाँ आए और जो कंसल्टेंसी है उसको अवेल करें, तो ये हमारी प्लानिंग है। अभी 107 पेशेंट का को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है। अब उनकी